गुल्ली बुल्ली सोन आज बड़े से तालाब पर घूमने जा रहे हैं। जो कि यहाँ से बहुत पास में ही है। बस इन्हें फाटक पार कर कर थोड़ी दूर ही जाना है। फाटक के खुलते ही सब लोग जल्दी जल्दी जाने लगते हैं। बोट लेट होने की वजह से सोन यहीं सो जाता है। जब सोन की आँख खुलती है तब गुल्ली कहता है, सोन उठो, वो देखो बोट आ गई, सब लोग जा रहे हैं और तुम अभी सो रहे हो। तब सोन डरते हुए कहता है, नहीं नहीं हम बोट पर नहीं जाएंगे। मैं तो कहता हूँ हमें यहीं से लौट जाना चाहिए। मैंने एक सपना देखा कि हम सब बोट का इंतज़ार कर रहे हैं कि कभी उस चड्डे वाले इंसान को एक क्रीचर खा लेता है, जिसे देखकर हम सब बुरी तरह से डर जाते हैं और फिर हम जल्दी से उस घर के अंदर भाग जाते हैं। फिर थोड़ी देर बाद वो क्रिएचर दरवाजे पर मारने लगता है। फिर तुम और वो दोनों आदमी दरवाजे को पकड़ कर खड़े हो जाते हो। फिर थोड़ी देर बाद वो क्रिएचर चला जाता है। उसके बाद हम आपस में डिस्कशन करते हैं, आखिर वो था क्या। मैंने इससे पहले इतना अजीब जीव कभी नहीं देखा था और उसने मेरे दोस्त को भी मार दिया, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। तब गुल्ली कहता है, देखो अभी तुम्हें होश से काम लेना होगा, हमें नहीं पता आखिर वो है क्या और उसे कैसे मारा जाए। हाँ ये सही बोल रहा है, हमें यहाँ पर रुक कर इंतज़ार करना होगा, क्या पता कोई हमें ढूंढते हुए आ जाए। और फिर थोड़ी देर बाद रात हो जाती है, जिसके बाद वो बोट वाला भी आ जाता है और वो कहता है, अरे सुनो तुम सब बाहर आ जाओ, वो क्रिएचर जा चुका है। इतना सुनकर हम सब बोट की तरफ भागने लगते हैं और जैसे ही हम सब बोट पर चढ़ जाते हैं और पीछे देखते हैं तो वही क्रिएचर वहाँ खड़ा होता है जो कि हमें देखकर उड़ रहा था। और तभी बोट से हम तालाब के अंदर जाने लगते हैं और वो क्रिएचर हमें देखता ही रहता है। आज तो बाल बाल बच गए, अगर बोट वाला लेट करता तो शायद हम नहीं बच पाते। आखिर क्या फायदा, मेरा दोस्त तो मर गया ना और वो मॉन्स्टर या क्रिएचर अभी भी जिंदा है, मैं उसे जरूर ख़त्म करूँगा। आखिर ये बोट वाला था कहाँ, अगर थोड़ा पहले आ जाता तो शायद तुम्हारे दोस्त की जान बच जाती। हाँ सोन सही कह रहा है, आखिर तुम थे कहाँ कि तुम्हें आने में इतना लेट हो गया। मैं तो पहले ही आ जाता मगर मैंने देख लिया था उस क्रिएचर ने तुम सब पर हमला कर दिया था, इसलिए मैं उसके जाने का इंतज़ार कर रहा था। अब जो हुआ उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, अब ये सोचो हमें करना क्या है। तुम्हारे इतना कहते ही मैं उस बोट वाले से कहता हूँ, वो क्या है। तब बोट वाला बोट को उधर ले जाने लगता है। उसके बाद मैं बिना जाने उस पर चढ़कर कहता हूँ, क्यों ना आज रात हम इस आइलैंड पर बिता ले। मेरे इतना बोलते ही और फिर तुम सब मुझे उठा देते हो और कहने लगते हो, उठो बोट आ गई, वो सब बोट पर जा रहे हैं, अब बताओ तुम दोनों जाओगे। नहीं नहीं सोन हम नहीं जाएंगे। अरे सोन चलो। हाँ सोन जल्दी आओ। अरे जल्दी चलो भाई, इतना लेट क्यों कर रहे हो, लगता है कोई काम धंधा नहीं है। ठीक है तुम सब जाओ, मैं तो नहीं आऊँगा।
तब उल्लू कहने लगता है, आखिर ये सब तुम्हारा ही तो प्लान था और अब तुम ही नहीं जा रहे हो, सिर्फ उस बेकार से सपने की वजह से। आखिर उल्लू सही तो कह रहा है, मगर अब कर भी क्या सकता हूँ, वोट तो चली गई। उल्लू कुल्लू और उल्लू चीज वोट की राइट का मजा ले रहे होते हैं कि तभी उल्लू उल्लू से कहता है, अरे उल्लू वो देखो इतनी बड़ी शार्क है। बुल्ली बुल्ली से कहता है, तुम जरा इधर देखो बुल्ली, इतना बड़ा मगरमच्छ है। तब वो टूरिस्ट बुल्ली बुल्ली से कहते हैं, तुम दोनों जरा पीछे देखो, क्या वो तुम्हारा दोस्त है? बुल्ली बुल्ली उठकर पीछे देखते हैं, ये तो सौन है, आखिर ये कछुए के ऊपर बैठकर क्या कर रहा है? अब बुल्ली कहता है, अरे सौन उस बेचारे की जान लोगे क्या? तब सौन कहता है, अरे नहीं, जब तक मैं बोट पर आने वाला था तुम सब चले गए, आखिर मैं करता क्या? इतना बोलकर सौन बोट पर आ जाता है। और ये सब पूरा तालाब घूमने के बाद वापस आ जाते हैं। अगर अब तक आपने पूरी वीडियो देख ली है तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। और हाँ, आपको याद होगा कि मैंने इसी वीडियो का जो पहले वाला वर्जन था उसमें कहा था कि अगले हफ्ते हमारी नई वीडियो आने वाली है, तो वो अभी रेडी नहीं है इसलिए वो आ नहीं पाई। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई हो, वैसे इसका तो कम चांस है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।